और स्टार्ट करना है। देखिए ये हमारे चार राउंड बने, 1 2 3 4। अब इसको एक दो दो राउंड छोड़ के यहाँ से मैंने पहले भी बताया था, चाहे वो आप इसको गांठ लगा लें या इस तरह इसको ऊपर से धागा घुमाकर इसको पक्का कर लें। अब इस धागे को पीछे की तरफ निकाल दें। अब हमने क्या करना है, 6 चैनें डालनी हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 चैनें डालने के बाद देखिए ये दो वाली, 1 2 दो छोड़कर हमको यहाँ से देखिए, 1 ये 2 छोड़ के तीसरी वाली चैन में डाल लेना है, 2 का 1। फिर 6 चैने, 1 2 3 4 5 6, 2 छोड़ देने हैं, 1 2 तीसरी वाली में डालना है इसको यहाँ से ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ, देखिए 1 2 छोड़ के तीसरी वाली चैन में, 1 2 3 5 6, देखिए 1 छोड़ के 2 छोड़ के। इस प्रकार से ये सारा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि 4 राउंड होंगे, लेकिन अब 3 राउंड से ही ठीक है। अब हमने पहले जैसे यहाँ पे क्रीम की जाली बनाई थी, वैसे ही हमने इस पे भी जाली के 1 राउंड लगाना है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ऐसे हमने पहले 3 चैने डाली थी, 1 2 3, 3 चैने डालने के बाद इसको यहाँ पे स्लिम स्टिच कर दी ऐसे। फिर 3 चैन डालने, 1 2 3, 3 चैने डालने के बाद एक पीस बनाना है, वैसे 4 चैने डालने, 1 2 3 और 4। अब यहाँ से ही लेना जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे फूल बनाना है इसका। और फिर इसी में से एक बीज और बनाना है, 4 चैनें डालनी हैं। अब देखो जो ये छेद है इसमें से निकाल लेना है ऐसे। और फिर इसी छेद में से देखिए यहाँ से एक बीज और बनाना है, 4 चैनें डालकर फिर यहीं से इस छेद में से निकाल कर इसका फूल बना लें। देखिए ऐसे पहले की तरह बन जाएगा। अब हमने 3 चैनें डालनी हैं इसके बिल्कुल सेंटर में से, इसको चैन में से लेना है, ऐसे नहीं डालना सीधा, नहीं तो आगे पीछे होता रहेगा। इसको चैन में से डालकर स्लिम स्टिच कर लें। फिर 1 2 3, 3 चैने डाल के फिर अगले वाले नेक्स्ट पे धागा लेके हमने एक बीज बनाना है। देखिए 3 2 1, बीज बना दिए। अब हमने चैन डालनी है 4, फिर हमने यहीं से इसको ऐसे इसी छेद में से एक बार फिर और बनाना है बीज, 4 चैन डालनी है,
फिर इसी छेद में से हमने इसको घुमाकर दो का एक कर देना है। एक बीज और बनाना है यहीं से। अब तीन चैने डालनी हैं, सॉरी चार, इस प्रकार ऐसे ही जैसे हमने पहले सारा राउंड कंप्लीट किया था, ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये इस प्रकार से हमारे ऐसे आता जाएगा, ये हमारे ऐसे फूल के ऊपर फूल आते जाएंगे। और ये अगर एक राउंड और लगा ले तो ये हमारे फूल नहीं दिखने थे, ये हमारे फूल भी दिखने चाहिए। आप उसी हिसाब से अपने वूल को देखकर, मोटी पतली देखकर उतने ही राउंड लगा सकते हैं, दो या तीन या चार, ठीक है, ताकि हमारी ये वाले फूल भी, इस राउंड के फूल भी दिखते रहें। अब हमने उसका पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसको हम धागे को यहाँ से काट देंगे। ये देखिए हमारी इस तरह से ये बनकर तैयार हो गई ठाकुर जी के इस तरह से। इस प्रकार से हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर फूल लगाने, मैंने फूल बनाए हैं वो फूल लगाने सिखाऊंगी और इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी। देखिए फ्रेंड, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये ड्रेस बनाने सिखाई थी, अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी करने सिखाएंगे और इसके ऊपर फूल लगाने सिखाऊंगी मैं। ये देखिए अब बॉडी की बीडिंग करने जा रहे हैं हम। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपको बीडिंग करनी है तो इसकी
बीडिंग कर सकते हैं, अगर नहीं भी करनी तो ये वैसे भी अच्छी लगती हैं। देखिए मैं आपको बीडिंग करना सिखा रही हूँ, ये देखिए। इस प्रकार से इसको गांठ लगा के सबसे पहले एक चैन डाल लें, फिर इसी होल में से जिसमें मैंने डाले हैं वहाँ से इसको तीन दो एक करते हुए एक पीस बना लें, फिर उसी होल में से एक बार और बना लें, ये दो पीस बन जाएंगे देखिए। फिर यहाँ तक ये जा सके, इसको खींचना नहीं है और ढीला नहीं करना, यहाँ तक देखो ये हमारा क्रोशिया जा रहा है, वहाँ से आगे इसको फिर डाल लें, धागा डाल के दो का एक कर लें। दो का एक करने के बाद क्रोशिया लेकर एक चैन डालें, फिर यो जी हमने होल बना है यहाँ पे, इसमें से हमने दो बीज बनाने हैं देखिए, इस प्रकार दो बीज बनाने, इसी प्रकार से हम बनाते जाएंगे इसको। ये देखिए अब हम इसको यहाँ पे आके यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया था वहीं पे बस इसको डाल देना है
और इसको बंद कर देना है। इस प्रकार से पूरा टाइट खींच दें ताकि ये हमारा निकले नहीं। ये देखिए हमारी इस तरह से ये बीडी, देखिए हमारी ये बॉडी की बीडिंग होकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो बाजू पर भी कर सकते हैं और नहीं करनी तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये हमारी बीडिंग होकर तैयार हो गई है और इस तरह से हमारी ये ड्रेस ऐसे लग रही है। अब मैं ये देखिए फ्रेंड्स ये फूल है, मैंने इस पर लगाने के लिए बनाए हैं। ये मैंने पहले बना कर रखे हुए हैं और इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे इसको बनाना सिखाया हुआ है। ये हम इस पर अटैच करेंगे, ये हमने ऐसे लगाने हैं इस प्रकार से। इनकी पत्तियों की जो ये जोड़ जोड़ के हमको ऐसे लगाते जाना है इसको इस प्रकार से। ये देखिए हमारी इस प्रकार से ड्रेस बनकर स्टार्ट आ जाए, देखिए ये हमारी इस प्रकार से ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसको सुई से ऐसे लग रहा है जैसे फूल ही फूल बिखरे पड़े हों। अब मैं इसकी अगली वीडियो डालूंगी, उसमें मैं इसकी मैचिंग कैप बनानी सिखाऊंगी। आप अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक बेल बटन है उसको भी दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आपको पास सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।